कोरोना वायरस की सूरत में ऑब्वियसली तो पूरी दुनिया में ही इस वक्त एक बेचैनी मौजूद है इस वायरस को लेकर, बट एट द सेम टाइम आपको लगता है कि पाकिस्तान की जानिब से जो मेजर्स लिए गए हैं हुकूमती लेवल पर वो अब तक के लिहाज से सही है, या जैसे कि ये ईरान से आने वाले जायरीन का जो इशू है, क्या ये बॉर्डर्स अगर बंद कर दिए जाते तो ये बेहतर ना होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की मैंने बात सुनी, इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस में साइन सिम्टम जो है वो इसी तरह से फ्लू, कफ, टेम्परेचर और इसी किस्म की होती है, लेकिन इसमें हमने डिफ्रेंशिएट इस बात पे करना होता है कि क्या आम फ्लू का जो पेशेंट है या कफ का पेशेंट है, टेम्परेचर का पेशेंट है, क्या उसमें कोई बाहर से आने की, अब्रॉड से कोई सफर की कोई हिस्ट्री है या नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस बचाव के लिए हमें जितना विगरसली केयर की जरूरत थी या प्रिकॉशनरी मेजर्स की जरूरत थी, वो सौम्य किस्मत हम उसमें भी अपनी स्पीड को भी बेहतर नहीं कर पाए, जबकि पता था हमें ये हमारे मुल्क में तो ये अब आना शुरू हुआ है, जब ये बॉर्डर खुले हैं या हमारे कोई मुसाफिर आए हैं दूसरे कंट्री से, लेकिन हमें समझदार लोग जो कौमें जो होती हैं वो पहले से तदारुक करती हैं, पहले से केयर के लिए इंतजाम करते हैं, लेकिन मैं आप ये इसको हम पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते।